आज मैं आपके लिए ब्रायन ट्रेसी की बुक चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ की कंप्लीट बुक समरी लेकर आया हूँ। ये बुक हमें बताती है कि हम कैसे अपने अंदर छिपी हुई पावर्स और असाधारण क्षमता को खोजें और कैसे इसका इस्तेमाल करें। राइटर ने इस बुक में बताया है कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हम मानव इतिहास के सबसे अच्छे टाइम में जी रहे हैं। हमारे चारों ओर मौके ही मौके हैं, जिनका इस्तेमाल करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ राइटर ने ये भी बताया है कि कैसे हम अपनी सोच को बदलकर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, चेंज योर थिंकिंग। आपकी क्षमता, पोटेंशियल, आपके विचार और आपका नजरिया इस बात का फैसला करते हैं कि आज आप क्या हैं और भविष्य में क्या होंगे। आप अपने दिमाग में आने वाले शब्दों और विचारों पर कंट्रोल करके अपने भविष्य पर कंट्रोल कर सकते हैं। राइटर ब्रायन ट्रेसी बताते हैं, काफी साल पहले की बात है, 30 साल की एक विवाहित महिला थी जिसके 2 बच्चे थे। उसमें हीन भावना और सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी घर कर गई और उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की भी कोई चीज नहीं रह गई थी। नेगेटिव सोच के साथ वो हर वक्त डरी सहमी सी रहती थी और खुद को कम इम्पोर्टेंट समझती थी। उसे लगता था कि उसमें किसी भी काम के लायक कोई टैलेंट ही नहीं है। एक दिन रोड एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त चली गई। अब उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसके साथ क्या हुआ, इसे जानने के लिए उसने मेडिकल साइंस की किताबें पढ़कर याददाश्त जाने के कारणों को स्टडी करना शुरू किया। इस दौरान एक चमत्कार हुआ, वो बिल्कुल ही अलग इंसान बन गई। अस्पताल और उसके बाहर सबकी चर्चा का केंद्र बन जाने से उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि उसकी कोई इम्पोर्टेंस है, उसका भी कुछ महत्व है और उसका परिवार भी उसको बहुत चाहता है। वो एक बेहद पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और खुले विचारों वाली औरत बन गई। वो हर चीज जो इंसान सोचता या महसूस करता है, वो सब उसने यहीं पर अपने जन्म से सीखी होती हैं। कहने का मतलब है कि एक बच्चे का दिमाग एक कोरे कागज की तरह होता है, जिस पर उससे कांटेक्ट में आने वाला हर इंसान अपना प्रभाव छोड़ देता है। चैप्टर 2, चेंज योर लाइफ। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आप अपने बारे में जो सोचते या महसूस करते हैं, उसी से फैसला होता है कि आप क्या करते हैं और आपके साथ क्या होता है। जब कभी भी आप अपनी सोच के लेवल को ऊंचा उठाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के लेवल को बदल देते हैं। आपका केवल एक ही बात पर कंट्रोल है, आपकी सोच पर। आप फैसला कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में आपको क्या सोचना है। किसी घटना को लेकर आपकी समझ ही आपकी फीलिंग्स पर पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट डालती है। आपके थॉट्स और आपकी भावनाएं ही आपके अगले कदम और उसके रिजल्ट्स को तय करते हैं। इन सब की शुरुआत आपकी सोच के साथ ही होती है। पॉजिटिव सोच जीवन के लेवल को ऊंचा उठा देती है और आपको ज्यादा ताकत और सेल्फ कॉन्फिडेंस का एहसास कराती है। पॉजिटिव सोच केवल एक उत्साह बढ़ाने वाला विचार नहीं है, इसका आपकी पर्सनैलिटी, हेल्थ और आपकी क्रिएटिविटी पर भी पर्याप्त और रचनात्मक प्रभाव पड़ता है। आप जितने ज्यादा पॉजिटिव और आशावादी होंगे, जिंदगी की हर फील्ड में उतने ही ज्यादा खुश होंगे। नेगेटिव सोच के रिजल्ट्स ठीक इसके ऑपोजिट होते हैं। वो आपको पावरलेस बना देते हैं और आप ज्यादा कमजोर और खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करने लगते हैं। जब कभी भी आप कोई नेगेटिव बात सोचते या बोलते हैं, तो आप अपनी पावर की एक यूनिट कम कर देते हैं और आपको गुस्सा आने लगता है। आप निराश और दुखी महसूस करने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद नेगेटिव सोच के कारण आप बीमार भी पड़ने लगते हैं और अपने रिलेशनशिप्स को भी खराब कर देते हैं। हर बार जब कभी भी आप अपनी सोच और अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल रखते हैं और खुद को पॉजिटिव रखने के लिए डिसिप्लिन कर लेते हैं, तो आपकी भीतरी और बाहरी जिंदगी के लेवल में सुधार होता है। नेगेटिव फीलिंग्स के अभाव में आपका ब्रेन अपने आप ही पॉजिटिव फीलिंग्स से भर जाता है। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है कि आपका दिमाग एक वक्त में एक ही विचार रख सकता है,
पॉजिटिव या नेगेटिव। आप जब भी चाहें नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच के साथ बदल सकते हैं। आप इस रूल को उस वक्त जानबूझकर पॉजिटिव सोच के साथ लागू कर सकते हैं जब आप किसी बात पर गुस्सा या नाखुश हों। लॉ ऑफ हैबिट कहता है, जब आप किसी भी विचार या काम को बार बार करते हैं तो ये आपकी नई आदत बन जाता है। आप जब बार बार पॉजिटिव तरीके से ही रिस्पॉन्स देने लगते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर पूरा कंट्रोल पा लेते हैं। साथ ही ये आपका नेचुरल प्रोसेस बन जाता है और आपके लिए इसी तरह से सोचना और काम करना आसान हो जाता है। इस नियम को लागू करके आप पूरी तरह से पॉजिटिव इंसान बन सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। चैप्टर 3, ड्रीम बिग ड्रीम्स। आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बुरा दुश्मन हो सकता है। आपकी सोच में इतनी ताकत है कि वो आपको हेल्दी या अनहेल्दी, अमीर या गरीब, फेमस या इनफेमस बना दे। आपका दिमाग एक ऐसी पावरफुल मशीन है जिसे कैसी भी दिशा देकर अमेजिंग रिजल्ट्स हासिल किए जा सकते हैं या फिर अफरा तफरी और तबाही फैलाई जा सकती है। आपकी जिंदगी का मुख्य उद्देश्य अपनी इस अमेजिंग ताकत को निखार कर बुद्धिमानी से ऐसी दिशा देने का होना चाहिए कि आप जिस चीज की इच्छा करते हैं उस चीज को अचीव कर लें। खुद को कामयाब बनाने के लिए आप सबसे पहले बड़े बड़े सपने देखना शुरू करें, क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज को बनाने की शुरुआत विचार से ही होती है। इसलिए आप जितने बड़े सपने देखेंगे उतने ही बड़े गोल्स को अचीव करेंगे। कामयाब लोग अपनी सोच में भविष्य में जाकर लौट आने की प्रोसेस की लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। वो खुद को कुछ साल बाद की सिचुएशन में ले जाते हैं और फिर इमेजिन करते हैं कि अगर उन्होंने अपने सारे गोल्स को अचीव कर लिया तो उनकी लाइफ कैसी होगी। फिर वो उस रास्ते की ओर देखते हैं जो उनको भविष्य के उस लेवल तक ले जाएगा जहां वो जाना चाहते हैं। लॉ ऑफ करस्पोंडेंस के अनुसार आप जो कुछ भी अपने अंदर देख सकते हैं अंत में बाहर भी वैसा ही महसूस करेंगे। इसलिए आपको अपने सपनों को जितना हो क्लैरिटी के साथ देखना चाहिए। राइटर कहते हैं, किसी भी गोल को डिसाइड करने और उसे हासिल करने के लिए 7 स्टेप्स का एक रास्ता है जिसे आप किसी भी सिचुएशन में बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 7 कदम ऐसे कामयाब फॉर्मूले की तरह हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला कदम, डिसाइड करें कि आप करना क्या चाहते हैं। दूसरा कदम, अपने गोल्स को लिख लें। तीसरा कदम, कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। चौथा कदम, प्लान बनाएं। पांचवा कदम, अपने प्लान पर काम करना शुरू करें। छठा कदम, हर दिन कोशिश करते रहें। सातवां कदम, कभी हार ना माने। चैप्टर 4, डिसाइड टू बिकम रिच। राइटर कहते हैं, आज ही अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर पूरा कंट्रोल हासिल करने का निश्चय करें। ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करें जो आपके फील्ड में सक्सेसफुल हुए और अमीर बने। इन लोगों से ये सीखने की कोशिश करें कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप आज अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। हम फिजिकल लिमिटेशंस वाली दुनिया को छोड़कर अब एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां सब कुछ दिमागी सोच पर ही निर्भर है। हम बातों की दुनिया से निकलकर मानसिक युग में आ गए हैं। आपका भविष्य आपकी इस काबिलियत पर निर्भर है कि आप अपने दिमाग और अपनी बुद्धि का अपने काम और अपनी जिंदगी में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस दिमागी बातें हैं, इसलिए आप अपने लिए कितना हासिल कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। आप ऐसे प्रैक्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल सीखेंगे जिनको आजमाकर हर फील्ड में सफल लोगों ने अपने आसपास मौजूद लोगों से ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। आप सीखेंगे कि कैसे अपनी सोच को बड़ा करके पारंपरिक सोच के बंधनों को तोड़ सकते हैं ताकि आप चमत्कारिक रूप से हर उस गोल को अचीव कर सकें जो कि आप अपने लिए डिसाइड करते हैं। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप जितनी ज्यादा बार कोशिश करेंगे उतनी ही इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी कि आप सही वक्त पर सही कदम उठाएंगे। अगर आपने अपने लिए क्लियर लिखी हुई गोल प्लानिंग कर रखी है और आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जरूरी स्किल्स को भी डेवलप करते हैं
तो आप अपने लिए एक बेहतर जीवन जीने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। चैप्टर 5, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आप आज जो भी हैं या होंगे, आपके द्वारा किए गए काम या किए जाने वाले कामों की वजह से ही होंगे। हर बात के लिए दूसरों को कोसने की बजाय आज ही अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अपने विचारों, शब्दों और काम पर कंट्रोल हासिल कर लें। अपने भविष्य के मालिक खुद बने। राइटर कहते हैं कि अपने द्वारा डिसाइड किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आप हर वो चीज सीख सकते हैं जो आपको सीखनी चाहिए। ये थ्योरी आपको एक ऐसी राह दिखाती है जहां आप अपने भविष्य पर पूरा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। जब राइटर ब्रायन ट्रेसी जवान थे और स्ट्रगल में जुटे हुए थे, हार और निराशा के टाइम में इस थ्योरी को अपनाकर उन्होंने अपनी जीवन को बदल डाला। कोई आपसे ज्यादा समझदार या आपसे बेहतर नहीं है। कोई आपसे बेहतर सिचुएशन में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे बेहतर है। इसका मतलब केवल इतना ही है कि आपकी फील्ड में सफल होने के लिए जिन गुणों की जरूरत है, उसने आपसे पहले जान लिए हैं। सक्सेस एक तरह की दिमाग की स्थिति है। ये आपके अंदर से ही शुरू होती है और धीरे धीरे आपके इर्द गिर्द भी झलकने लगती है। जब आप बेहतर होने के लिए अपनी सोच को बदलते हैं, तो आप बेहतर हो जाते हैं। बड़े बड़े सपने देखकर और एक अच्छे फ्यूचर की कामना करके आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। लक्ष्यों को लिखकर और उन्हें हासिल करने की प्लानिंग करके आप अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। चैप्टर 6, कमिट टू एक्सीलेंस। सबसे ज्यादा इनाम और सेटिस्फेक्शन उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं। अपनी फील्ड में 10 सबसे कामयाब लोगों में जगह बनाने का संकल्प लें। अपने उन स्किल्स को पहचानें जिन्हें बेहतर बनाने के लिए अच्छे से सीखना जरूरी है। बेहतर प्रदर्शन को अपना लक्ष्य बनाकर एक प्लान तैयार करें और फिर हर दिन और बेहतर बनने के लिए काम करते जाएं। महान अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए आप सबसे पहले अपने आप को दिमाग के हर तरह के बंधन से आजाद कर दें। किसी भी चीज को हासिल करने के बारे में सोचने, देखने और महसूस करने की शुरुआत बड़े बड़े सपने देखने और बड़े गोल डिसाइड करने से ही होती है। आप अपने बारे में क्या सोचते और समझते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने काम में खुद को कितना इफेक्टिव मानते हैं। अगर आप अपनी पहचान को बनाने वाली प्रमुख बातों को लेकर सहज नहीं हैं, तो आप खुश और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरपूर महसूस नहीं कर सकते। अपने बारे में अपनी सोच को बेहतर बना के सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है खुद को बेहतर बनाने का डिसीजन लेना। ये फैसला आपको अभी इसी वक्त लेना होगा कि आप बेस्ट बनने की कोशिश करेंगे। अपने फील्ड के 10% सबसे सक्सेसफुल लोगों में जगह बनाएंगे, फिर भले ही इसके लिए चाहे जितना ही वक्त क्यों ना लगे। केवल इतना सोच लेने से ही आपकी सोच और आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। चैप्टर 7, पुट पीपल फर्स्ट। लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप की क्वालिटी और क्वांटिटी आपकी सफलता और खुशी पर सबसे ज्यादा असर डालती है। अपनी लाइफ को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि आप अपनी फील्ड के लोगों के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशंस बना सकें। आप अपनी फील्ड के लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट बनाएं और पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ लगातार कांटेक्ट में रहें। इस तरह ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी सक्सेस और हैप्पीनेस को हासिल करने में मददगार होंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी इम्पोर्टेंट अचीवमेंट को अकेले अपने दम पर हासिल नहीं कर सकता। राइटर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अपने दिमाग में इसे अच्छी तरह से बिठा लें कि रिलेशन ही सब कुछ है। आपका काम एक अच्छा रिलेशन बनाने वाला इंसान बनना होना चाहिए। आपको अपने पर्सनल पहचान के ग्रुप्स, अपनी ऊंची पहचान वाले ग्रुप्स, क्लब मेंबर्स, अपने कंसल्टेंट्स के साथ रिलेशन बनाने और इस बेहतरीन रिश्ते को कायम रखने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। ज्यादातर सफल लोगों की सफलता का राज यही होता है कि उन्होंने एक ऐसे रिश्ते को बनाने और फिर कायम रखने के लिए समय दिया जो कि उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। इसलिए अगर आप सफल बनना चाहते हैं,
तो आपको ऐसे लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने होंगे जो अभी ही उस काम में सफल हैं जो आप करना चाहते हैं। चैप्टर 8, थिंक लाइक अ जीनियस। राइटर कहते हैं, आप वो नहीं हैं जो आपको लगता है, बल्कि वो हैं जो आप सोचते हैं। आपके भीतर पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर सोचने की क्षमता है। जब आप सबसे होशियार और सबसे सफल लोगों की तरह सोचने लगते हैं, तो आपको भी जल्द ही उनकी तरह रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। राइटर बताते हैं, आपके अद्भुत दिमाग में 18 अरब से ज्यादा सेल्स हैं। उनमें से हर एक सेल 20,000 और सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में आने वाले विचारों की संख्या पूरे यूनिवर्स में मॉलिक्यूल्स को मिला लेने पर भी उनसे ज्यादा ही रहेगी। आपके पास आपकी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा अधिक तेजी से सीखने और उसे सेव करके रखने की क्षमता है। कहा जाता है कि व्हेन एन एजुकेटेड पर्सन डाइज, इट इज लाइक अ लार्ज लाइब्रेरी बीइंग बर्न टू एशेस। मतलब जब एक शिक्षित व्यक्ति की मौत होती है, तो ये किसी बड़ी लाइब्रेरी के जलकर राख हो जाने के जैसा होता है। इन्फॉर्मेशन के इस युग में आपके लिए नॉलेज ही सब कुछ है, और आपके द्वारा हासिल की गई नॉलेज और उसके इस्तेमाल पर ही आपकी सक्सेस या फेलियर निर्भर करता है। आपके हासिल करने की कोई सीमा नहीं है, सिवाय उस सीमा के जो आप खुद तय करते हैं। आज आप जितना ज्यादा सीखेंगे, उतना ही ज्यादा कमाएंगे। अपने फील्ड के बारे में आपकी जानकारी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उतना ही बढ़ेगा। जितना ज्यादा हौसला और कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा, आपकी अपने बारे में सोच उतनी ही बेहतर होगी, और किसी भी काम में आपको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। चैप्टर 9, अनलीश योर मेंटल पावर्स। आपकी लाइफ में जो भी बदलाव होगा, वो आपके दिमाग में आए किसी न किसी थॉट के कारण ही होगा। आपके थॉट्स ही आपका भविष्य बनाते हैं। आपकी थॉट्स में ही आपकी सभी प्रॉब्लम्स के हल छिपे हुए हैं, और गोल्स को हासिल करने के रास्ते भी। आप बहुत क्रिएटिव हैं, ये एक नेचुरल गुण होता है, आपका जन्म ही इसके साथ हुआ है। लेकिन क्रिएटिविटी भी इस्तेमाल के सिद्धांत पर ही निर्भर करती है, जो कहता है अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करते तो आप इसे गंवा देते हैं। कम से कम अच्छी खबर ये है कि आप इस किताब में दी गई तकनीकों को अपना कर अपनी क्रिएटिविटी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। राइटर ने इस बुक में 80-20 का नियम भी दिया है, जो खास तौर पर बाधाओं के मामले में लागू होता है। इस मामले में ये नियम कहता है कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने से रोकने वाली 80% बाधाएं आपके भीतर ही छिपी हुई हैं। आपको आगे बढ़ने से रोकने वाली सिर्फ 20% बाधाएं ही आपकी बाहरी दुनिया की हैं। ये खोज अनेक लोगों के लिए सदमे की तरह होती है। बहुत सारे लोग तो यही सोचते हैं कि सिचुएशन और उनके आसपास मौजूद लोग ही उनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं, लेकिन ये आमतौर पर गलत ही होता है। आपके आगे नहीं बढ़ पाने का कारण आप में स्किल्स, एबिलिटी और गुणों की कमी है। चैप्टर 10, सुपरचार्ज योर थिंकिंग। अपनी जिंदगी के बारे में आपकी सोच ही आपके साथ होने वाली तकरीबन हर बात को तय करती है। अपनी सोच को पूरी तरह से कंट्रोल पाना ही आपकी पहली जिम्मेदारी है। आपको उन्हीं बातों पर अपने शब्दों और विचारों को पूरी तरह से केंद्रित रखना है जो कि आप चाहते हैं। इसके साथ ही आपको उन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो आप नहीं चाहते। ये आसान सा फॉर्मूला हेल्थ, हैप्पीनेस और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट है। इस प्रोसेस में आप अपने इर्द गिर्द हर बात को परेशानी या समस्या नहीं, बल्कि संभावना और मौके के तौर पर देखने लग जाते हैं। आपका गोल इसी तरह से सोचने की आदत को डाल लेना है, और दूसरी सभी आदतों की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। आप इसे लगातार रिपीट करके डेवलप कर सकते हैं, और आखिर में आप हर काम में पूरी तरह से पॉजिटिव और क्रिएटिव इंसान बन जाएंगे। दिन की शुरुआत किसी हेल्दी और पौष्टिक भोजन से करें। ज्यादा फल और प्रोटीन खाएं, ज्यादा पानी पिएं, अनाज और दही जैसी चीजों का सेवन करें। पचने में मुश्किल और थकाने वाले फैटी फूड ना खाएं। अगर आप ज्यादा फैट खाते हैं, तो आपके दिमाग का सारा खून
पेट में मौजूद फैट को पचाने के लिए डाइजेशन प्रोसेस में जुट जाएगा। दूसरी ओर जब आप दिन की शुरुआत हल्के हेल्दी और न्यूट्रिशियस नाश्ते से करते हैं तो आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आप ज्यादा अलर्ट और एक्साइटेड होंगे, आप अपने हर दिन के काम करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे, आप ज्यादा क्रिएटिव होंगे क्योंकि आपके दिमाग तक ज्यादा खून पहुंचेगा और आपका दिमाग ज्यादा तेजी से काम करेगा। आप अपने इर्द गिर्द होने वाली बातों में ज्यादा संभावनाएं ढूंढने में कामयाब रहेंगे। चैप्टर 11 क्रिएट योर ओन फ्यूचर। सबसे ज्यादा सफल लोग अपने जीवन की प्लानिंग काफी संभल कर करते हैं। उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई या आने वाली हैं, वो हर प्रॉब्लम के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो अपने आसपास के लोगों की तुलना में बेहतर तरीके से सोच सकते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं। हर सफल व्यक्ति को अपनी लाइफ में अनेक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम के इस टाइम में भी पॉजिटिव और नेगेटिव प्रतिक्रिया देने, हार मान लेने की बजाय मुश्किल सिचुएशंस में जोरदार वापसी की ये एबिलिटी आपकी सफलता को तय करेगी। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डॉक्टर अब्राहम ने कुछ साल पहले लाइफ में होने वाली निराशा के असर को स्टडी किया। बहुत सारे लोगों ने मोटिवेशन और उसके सक्सेस के साथ संबंध में रिसर्च किया और लिखा भी, लेकिन अब्राहम एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिक्के के इस दूसरे पहलू की ओर भी ध्यान दिया। राइटर कहते हैं, जो बात छोटी बड़ी कंपनियों के लिए कारगर है वो आपके लिए भी कारगर हो सकती है। आपको अपने हर काम में प्रॉब्लम्स को पहले ही देख लेने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। एक यात्री की तरह अपने जीवन के सफर को देखें। अब उन नेगेटिव बातों की कल्पना करें जो आपके साथ हो सकती हैं, और इस बात की भी कि आप उस पर कैसे रिएक्शन देंगे। आपको देखकर हैरानगी होगी कि बेहद मुश्किल प्रॉब्लम्स आने पर भी आपके पास उससे निपटने के लिए एक प्लान पहले से ही मौजूद है। एग्जाम्पल के लिए, आप क्या करेंगे अगर आपकी नौकरी आज ही चली जाए? आज की दुनिया में नौकरी जाने का खतरा ज्यादातर लोगों के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण होता है। हाल ही में हुई एक स्टडी के अनुसार काम करने वाले लोगों में 37% से ज्यादा लोग ऐसी चिंता में डूबे रहते हैं। राइटर कहते हैं कि उन्हें एक व्यक्ति का पत्र मिला जिसने पत्र में लिखा था कि उसके दिलो दिमाग में नौकरी जाने का डर बिना किसी बात के इतना गहरा बैठ गया है कि उसे कुछ और सोचता ही नहीं। ऊपर से उसका ये डर उसे वो काम करने से भी रोक रहा था जो कि उसे नौकरी बचाने के लिए करना चाहिए था। उसका डर और मौकों की कमी उसे नौकरी से हाथ धो बैठने की स्थिति की ओर ले जा रही थी। ब्रायन ट्रेसी जब भी अपने लेक्चर सुनने आए लोगों से पूछते हैं, आपकी अगली नौकरी क्या होगी, तो ज्यादातर लोगों के लिए ये सवाल चौंकाने वाला होता है। उन्होंने तो इस बारे में सोचा तक नहीं होता कि उनकी अगली नौकरी क्या होगी। जब राइटर ये बताते हैं कि हर इंसान को अपनी अगली नौकरी के लिए तैयार रहना चाहिए, तो कई लोगों के लिए ये विचार बिल्कुल ही नया होता है। या तो उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं होता या फिर वो इस बारे में सोचना नहीं चाहते। अगर आप इस बारे में पहले से नहीं सोचते तो जब ऐसी नौबत आएगी तो आपके पास कम वक्त होगा और आपको इस बारे में सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा। चैप्टर 12 लिव अ ग्रेट लाइफ। लाइफ में आपकी सक्सेस या फेलियर को डिसाइड करने वाले सभी नियमों में अनुरूपता का नियम यानी लॉ ऑफ करस्पोंडेंस शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी बात की थी कि आपकी बाहरी दुनिया दरअसल केवल आपकी भीतरी दुनिया का ही प्रतिबिंब है। इसके मुताबिक आप भीतर से जो कुछ भी हैं, कुछ ही वक्त के बाद बाहर उसकी झलक दिखने लगेगी। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो अपने जीवन को भी बदल देते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उस पर ये नियम लागू होता है। आपकी नॉलेज और आपकी तैयारी ही बाहरी दुनिया में आपकी आमदनी और सफलता को तय करती है। हेल्थ और फिटनेस के बारे में आपका नजरिया ही आपकी हेल्थ निर्धारित करेगा। आपके अंदर के विचार और उम्मीदें ही आपकी बाहरी दुनिया को तय करेंगी। आपकी बाहरी दुनिया से हमेशा आपकी भीतरी दुनिया की झलक मिलती रहेगी। महान फिलोसोफर एरिस्टोटल ने तकरीबन 2300 साल पहले लिखा था कि इंसान के हर कदम का अंतिम लक्ष्य खुशी ही होता है।
उनका ये मानना था कि किसी भी इंसान द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम का अंतिम लक्ष्य किसी न किसी तरह की खुशी हासिल करना ही होता है। कई बार वो सफल हो जाते हैं और कई बार फेल, लेकिन खुशी हासिल करना हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है। उनका कहना था कि हर काम खुशी हासिल करने की ओर महज एक कदम ही होता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा, तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। आप अपने दिमाग में आने वाले शब्दों और विचारों पर कंट्रोल करके अपने भविष्य पर कंट्रोल कर सकते हैं। आपका दिमाग एक वक्त में एक ही विचार रख सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आप जब भी चाहें नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदल सकते हैं। आपका भविष्य आपकी इस काबिलियत पर निर्भर है कि आप अपने दिमाग और अपनी बुद्धि का अपने काम और जिंदगी के लिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। लोगों के साथ आपके रिश्तों की क्वालिटी और क्वांटिटी आपकी सक्सेस और खुशी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने से रोकने वाली 80% प्रॉब्लम्स तो आपके भीतर ही छिपी हुई हैं और 20% प्रॉब्लम्स ही आपकी बाहरी दुनिया की हैं।